हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने Vivo V25 Pro एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है टच साउंड सेटिंग को अपना डिसेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑफ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये टच साउंड सेटिंग जो है डिसेबल होने के बाद ही सेटिंग कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे ऑप्शन मिल जाएगा साउंड एंड वाइब्रेशन का, इस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। अब इसके अगले पेज में आपको ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा टच साउंड का। टच साउंड इस ऑप्शन के ठीक सामने आपको ये बटन दे रखा है, इस बटन को आपको ना टैप करना है। तो ये बटन आपका टैप करने पर ब्लैक कलर में इस तरीके से ऑफ हो जाएगा, यानी कि आपकी टच साउंड सेटिंग इस तरीके से डिसेबल हो जाएगी, ठीक है। अब ये टच साउंड सेटिंग जो है डिसेबल होने के बाद ही सेटिंग कैसे काम करेगी ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, आपने अपने मोबाइल फ़ोन में कोई सा भी पेज ओपन कर रखा है या फिर किसी भी ऐप को आपने ओपन कर रखा है, अगर आप उस ऐप में या उस पेज में अगर आप किसी भी ऑप्शन को या किसी भी बटन को अगर आप टच करेंगे तो आपका मोबाइल फ़ोन से कोई भी साउंड की आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये टच साउंड सेटिंग जो है ना डिसेबल करने के बाद इस तरीके से काम करेगी आपके मोबाइल फ़ोन में, ठीक है ये सेटिंग। अब मैं आपको ये टच साउंड सेटिंग को है ना ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ आपके मोबाइल फ़ोन में। इसके लिए आपको मोबाइल फ़ोन का ये सेटिंग पेज फिर से ओपन करना है स्टार्टिंग से, ठीक है। सेटिंग पेज को फिर से ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये सर्च आइकन का ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सर्च बार में सेटिंग का नेम आपको टाइप करना है टच साउंड, ठीक है। आपको जो है ना नीचे की साइड ये ऑप्शन शो हो जाएगा टच साउंड का। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप ये सबसे ऊपर सर्च बार में सेटिंग का नेम आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप यहाँ पर सर्च बार में स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आपको टच साउंड का ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसके नीचे सेटिंग साउंड एंड वाइब्रेशन लिखा होगा। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फ़ोन आपको डायरेक्टली इस सेटिंग में आपको लेकर आ जाएगा और इसे हाईलाइट करेगा। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया है इस सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फ़ोन में।